वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अमेजोन से ब्यूटी एंड मेकअप हॉल। एंड मैंने कुछ स्किन केयर एंड कुछ मेकअप में परचेज किया है एंड सभी बहुत ही अफोर्डेबल है और ऐसा है जिसे मैं लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ एंड कुछ कुछ चीजें नई भी है तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं सोच रही थी काफी टाइम से परचेज करूँ एंड फाइनली मैंने ले लिया है। एक तो सारा हॉल बहुत ही अफोर्डेबल है और सभी को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर के नाम से, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। इससे इजी हो जाएगा आपके लिए शॉपिंग करना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये 3 नेल पेंट का कॉम्बो। लुक एट दिस कलर्स, देखो आप कितने ज़्यादा प्रीटी हैं ये वाले कलर्स। एंड ये है फ्रॉम दी ब्रांड बैग कंपनी। फर्स्ट टाइम इस ब्रांड को ट्राई कर रही हूँ। मैंने अमेजोन पे इसके रिव्यू काफ़ी देखे थे एंड मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, लेकिन जो अगर आप सिंगल पीस लोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है नॉर्मल प्राइस में है, लेकिन अगर आप 3 का पैक लेते हो तो आपको थोड़े कम प्राइस में पड़ जाएगा। प्लस जो 3 इसके जो कलर्स है ना, आप देखोगे सारे है ना ट्रेंडी कलर्स है। तो मैंने एक तो ये बबल गम कलर पिक किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पिंक शेड में है, ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और इस नेल पेंट को मैंने लगाई थी मे बी 10-15 डेज पहले। आप मेरी पहले वाली वीडियो देखोगे ना उसमें भी यही वाली नेल पेंट लग रही है और उसके बाद मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है। मतलब आप एक कोट लगा लो सिंगल एंड काफी लॉन्ग टाइम चल जाएगी। एंड ये ग्लॉसी फिनिश में है, मैट फिनिश में नहीं है। प्लस ये लिक्विड फॉर्म में जैसे आती है वैसे आएगी, लेकिन इसका सिंगल कोट ही इनफ है काफी टाइम तक। प्लस इसमें आपको कलर ऑप्शन काफी सारे मिल जाएंगे। मैंने 3 वाला पिक किया, एक ये वाला कलर आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी है। ये पर्पल कलर के शेड में आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। एंड बबल गम एंड ये पीच शेड में मैंने पिक किया है। तो कलर ऑप्शन इसमें आपको काफी सारे मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना आप पिक कर सकते हैं। तो प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, प्लस कलर्स काफी ज्यादा ट्रेंडी है। तो ये है जो फर्स्ट मैंने पिक किया और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इस नेल पेंट को। अफोर्डेबल प्राइस में नेल पेंट लेना चाहते हो प्लस कलर्स ऐसे हो जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगे एंड मतलब फ्रेश फील दे, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस कंपनी के नेल पेंट काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये मिनी सो का कॉस्मेटिक बैग। एंड आप देख सकते हो ये एक पाउच है एंड इसमें आप अपने कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स इजीली कैरी कर सकते हो। ट्रैवल फ्रेंडली है एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो मिनीसो के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ, चाहे वो परफ्यूम्स हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मिनीसो की बहुत अच्छी आती है। प्लस ये ना पाउच बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें स्पेस भी काफ़ी है, जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लस ये जो ग्लिटर वाला इसमें किया हुआ है ना, प्लस ये जो शाइनिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। एंड रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम देखने को मिल जाएगा एंड बहुत ही स्मार्ट सा है। इसमें आपको कलर ऑप्शन 2 देखने को मिल जाएंगे, एक ग्रे है एक पिंक है। मैंने ये पिंक वाला पिक किया, प्लस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो है ये यार्डले का परफ्यूम। एंड मुझे परफ्यूम की मतलब परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक है। आपको मेरे पास ना बहुत सारे ब्रांड्स के परफ्यूम देखने को मिल जाएंगे एंड यार्डले का मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी आपको इसकी, प्लस आप बोतल देख सकते हो, मुझे इस तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है एंड सच में इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं यार्डले का काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा दूसरी वाली फ्रेग्रेंस भी ट्राई करके देखते हैं। एंड ये समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, रियली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको बहुत पसंद आने वाली है इसकी फ्रेग्रेंस, डेफिनेटली ट्राई करना। एंड इतनी फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी, वाला परफ्यूम काफ़ी अच्छा लगा, ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस परफ्यूम को ट्राई करना एक बार। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये हाईलाइटर लैक्मे का। एंड हाइलाइटर मैं काफ़ी टाइम से वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बोर हो गई उसको यूज़ करते करते, तो मैं चाहती थी कुछ ऐसा हाइलाइटर परचेज करूँ जो थोड़ा अलग भी हो। ये कुछ इस तरीके का स्पंज इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसे एप्लीकेटर है, जिसे आप इजीली हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं एंड काफ़ी ईजी हो जाता है अप्लाई करना, आपको ब्रश वगैरह की नीड नहीं होती। प्लस इसका जो रेटिंग मैंने वहाँ पर देखी तो इसकी जो शाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतनी छोटी सी पैकेजिंग में ये आपको देखने को मिलेगा। तो अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा हाईलाइटर लगा तो मैंने ये पिक कर लिया, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने एक दो बार ट्राई किया हुआ है, मुझे भी अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट मैंने ली है वो है लैक्मे सीसी क्रीम और ये मैं डेली में जब भी वीडियो बनाती हूँ अप्लाई करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एंड मतलब एक सीसी क्रीम मेरे 1 मंथ ईजीली चल जाती है अगर मैं डेली भी इसे लगाती हूँ, या फिर ज़्यादा ही चलती होगी तो
मैंने ये ले ली है और इसमें जो मेरा शेड है वो है बेज। आप अपने अकॉर्डिंग स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड देख के परचेज कर सकते हो। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ जो फाउंडेशन वगैरह होता है, कंसीलर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, बस हमेशा मैं सीसी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ, या फिर कहीं पे भी जाना हो या फिर वीडियो बनानी हो शूट करनी हो हमेशा सीसी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ, और मेरे फेस पे सूट भी करती है मेरी स्किन पे, तो मैं तो इसे ही अप्लाई करती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाला आईलाइनर। एंड मैं बहुत टाइम से लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ कर रही हूँ, एंड जो पेन वाले आईलाइनर होते हैं मैंने एक दो टाइम यूज़ किए हुए हैं लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे वो वाले ब्रांड्स के, तो अब की बार मैंने ये वाला ट्राई किया मेबेलिन न्यूयॉर्क का ये वाला लाइनर, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, और जब से ये आया है ना मैं कंटिन्यू इसे अप्लाई कर रही हूँ, कम से कम 10 to 15 टाइम्स मैंने इसे अप्लाई कर लिया। एक तो इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है, वैसे मैं लिक्विड लाइनर भी आराम से अप्लाई कर लेती हूँ ईजिली, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लिक्विड लाइनर अप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये बहुत ईजी है उनके लिए अप्लाई करना, एंड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी, एंड वाटर प्रूफ है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो मैंने अमेजोन से लिया है वो है ये फैब स्किन का लूफा कॉम्बो, एंड ये बहुत ही अच्छे लूफा हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड दो का सेट देखने को मिल जाएगा। लूफा तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये वाले लूफा है ना इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड बहुत ही अच्छे हैं ये। एक आपको एक्वा कलर में देखने को मिलेगा, प्लस एक है जो पिंक कलर में देखने को मिल जाएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड वैसे तो सभी को पता होगा ये है क्या, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ इससे क्या होगा, जब आप इसे शावर लेते हो एंड इससे अप्लाई करते हो, शावर जेल आपको इसमें बस थोड़ा सा लेना होता है, आपके डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है, एंड बहुत ही अच्छी आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है, तो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ लूफा, एंड ये क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएंगे। मैंने पिक किया वो है ये येलो कलर की नेल पेंट फ्रॉम दी ब्रांड स्प्लैश, एंड मैं ना ये बैड कंपनी में ही लेना चाहती थी ये वाली नेल पेंट, लेकिन बैड कंपनी में आप कलर्स देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी वाले कलर्स ही हैं अभी अवेलेबल, लेकिन ये जो ब्रांड है स्प्लैश ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये सिंगल कोट में जब आप इसे अप्लाई करते हो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको इसे डबल कोट में अप्लाई करना पड़ता है इस वाले ब्रांड की नेल पेंट्स को, एंड इतना भी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, तो मुझे येलो शेड चाहिए था तो मैंने ये पिक कर लिया। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये, एंड लुक एट दिस, ये है 1 लीटर की बोतल फ्रॉम, एंड ये है शैम्पू सनसिल्क ब्लैक, एंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसे, मेरी मॉम यूज़ करती है, तो मैंने ये 1 लीटर वाला पैक ले लिया, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पैक लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आता है, तो एक बार में ले लो, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ये वाला ही 1 लीटर का ले लिया। जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये बायोटिक का बॉडी वॉश, एंड ये काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है, ये 2 का पैक मैंने लिया है, 1 थोड़ा कॉस्टली था तो मैंने सोचा 2 का पैक ले लेती हूँ, यार काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, पैरामिन एंड सल्फेट फ्री आते हैं बायोटिक के प्रोडक्ट भी, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मैंने लिए वो है ये लैक्मे की लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये मैट फिनिश में है, एंड आप देख सकते हो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शेड मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाली, एंड ये काफ़ी अच्छी है, ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग है, 16 आवर्स तक आराम से चल जाती है, प्लस ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये तो बहुत सारी लिपस्टिक होती है ना अप्लाई करने के बाद बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है, तो उस अकॉर्डिंग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ईजिली अप्लाई कर सकते हो, प्लस वाटरप्रूफ है, पिगमेंटेड है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शेड्स इसमें आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज करना, सबसे अच्छी बात है लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार अप्लाई करो और आराम से आप पूरे दिन भर ये आपके आराम से चलेगी, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, एप्लीकेटर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये है जो मैंने नेक्स्ट लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये 3 का सेट, एंड ये है सॉइल एंड अर्थ से हैंडमेड सोप, एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हैंडमेड सोप पिक करने का, तो ये मुझे अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा सही भी लगे, अफोर्डेबल भी लगे, प्लस इसकी
जो रेटिंग है ना वो भी काफी अच्छी थी। एंड ये मैंने जो लिए है ये है चंदन एंड हल्दी वाले, नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपकी स्किन को हार्म करे, एंड ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। तो मैंने ये पिक कर लिया क्योंकि मेरी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है एंड मैं केमिकल वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करती हूँ अपनी स्किन पे, मैं बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो मैं ट्राई करना चाहती थी हैंडमेड सोप, तो फाइनली मैंने ले लिया। एंड इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में देखने को मिलता है, एक तो आप क्वांटिटी भी देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसा रहा स्किन पे। अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है, वैसे इसकी रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट तो लास्ट मैंने पिक की है वो है कुछ इस तरीके की फेसेस कनाडा की आईब्रो किट, एंड ये काफी ज्यादा अच्छी थी, इसकी रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने सोचा पिक कर लेती। पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है, इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा रॉयल है, छोटू सी है, प्लस आप ट्रैवल फ्रेंडली है। और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईब्रो को डिफाइन करना, कि आईब्रो से ही आपका पूरा लुक आता है। तो मैं तो काफी टाइम से जो होता है आई शेडो पैलेट में से भी अप्लाई कर लेती थी, उससे भी काफी नेचुरल लुक आ जाता है, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कुछ अलग से ले लेती हूँ आईब्रो किट। वैसे मेरे पास पहले भी है, लेकिन मैंने ये वाली जब देखी इसका जो रेटिंग है काफी ज्यादा अच्छी थी, एंड इसे अप्लाई करना भी काफी ईजी है। इसमें आपको एप्लीकेटर भी मिल जाते हैं, दो शेड्स मिल जाते हैं, तो ट्राई कर सकते हो, ये होना चाहिए आपके पास, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। तो एक मैंने ये पिक कर ही ली, तो ये है जो लास्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस ये था आज का मेरा ब्यूटी एंड स्किन केयर हॉल, एंड मैंने कुछ छोटा मोटा सामान पिक किया था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।